बिनी माधुस के दो बेटे थे। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। धाम से श्रीकांत सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के अनुकूल बना लिया। उसने सब घी मांस में डाल दिया। खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी। मान और मर्यादा पति तक है, उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घुट पीकर रह गई। श्रीकंट सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। दो दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देशकाल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। ये वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधी न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहु बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मिक आहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊ तो मुंह झुलस दू। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शहूर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मार कर यो ना अकड़ता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा, मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी, यदि हाथ से न रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहां तक हो गया, इस छोकरे का ये साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटे बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निभान होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं।
बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबी कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, ये उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वो अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस ये मेरा अंतिम निश्चय है।